इसमें सीबीआई और पीड़ित के वकील ने कोर्ट में सेनगर को अधिकतम सजा देने की मांग की और अदालत में ये दलील दी कि कुलदीप सेनगर ने केवल पीड़ित का रेप ही नहीं किया बल्कि उसे मानसिक रूप से भी परेशान किया था, जिसके बाद अदालत ने सेनगर को पूरी जिंदगी जेल में रहने और 25 लाख रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई। इस रकम में 10 लाख रुपए पीड़ित लड़की को दिए जाएंगे जबकि 15 लाख रुपए सीबीआई को मिलेंगे। 30,000 कोर्ट ने जैसे ही कुलदीप सेनगर को उम्र कैद की सजा सुनाई वो फूट फूट कर रोने लगा। बहस के दौरान सेनगर के वकील ने उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का जिक्र करते हुए अदालत से उसकी सजा कम करने की अपील की, जिसे अदालत ने ठुकरा दिया और एक ताकतवर इंसान के खिलाफ पीड़ित लड़की के बयान को सही माना। कुलदीप सेनगर के खिलाफ ये पहली FIR है जिस पर 30,000 कोर्ट ने सजा सुनाई। इसके अलावा पीड़ित के पिता को झूठे केस में फंसाने और कई दूसरे मामलों पर सुनवाई चल रही, जिन पर फैसला जनवरी में